घाघरा थाना क्षेत्र से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय मसरिया घाघरा में शुक्रवार को अचानक आग लगने से रिजेक्ट पड़े गद्दा और कई सामान जलकर खाक हो गया। वहीं जिसकी सूचना विद्यालय के प्राचार्य विश्वनाथ खीलर के दूरभाष पर फायर ब्रिगेड को दी, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि रूम में रखे सभी उपस्कर और गदा जलकर खाक हो गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की लपट इतनी तेज थी कि विद्यालय के बच्चे द्वारा भी आग को बुझाने का प्रयास बाल्टी टुल्लू मशीन के सहारे बुझाया जा रहा था। इस बाबत विद्यालय के प्राचार्य विश्वनाथ खिल्लर ने बताया कि विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कार्यक्रम बच्चों के परीक्षा को लेकर हॉल में दिखाया जा रहा था। अचानक बच्चों द्वारा पता चला कि भवन में रखे पुराने उपस्कर गदे से धुआं निकल रही है। हालांकि कुछ ही समय में वह आग की लपटों में तब्दील हो गई। काफी प्रयास आग बुझाने को लेकर विद्यालय के परिवार द्वारा किया गया, लेकिन आग की लपट तेज होती गई, जिसके बाद गुमला फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी गई, जहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय गुमला में आज जो हमारा प्रोग्राम 2 बजे भारत प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा पर चल रहा था, कार्यक्रम जो 2 बजे खत्म हुआ, होने का साथ साथ में हम लोग ने लॉन्च लेने के लिए सभी टीचर्स स्टूडेंट प्रिंसिपल सब लोग हम लोग ने गए थे। तो उसी टाइम में देखा गया जी यहाँ पर एक धुआं इसी रूम में जो कंडेम्ड रूम है उसमें आ रहे हैं, जिसमें हमारा रद्दी सामान सब रखा हुआ था, बच्चे का यूज किया हुआ जो पुराना गद्दे सब थे उसका, उसी से धुआं निकल रहा था। तो तुरंत उसे हम लोग ने फायर ब्रिगेड स्टेशन गुमला को खबर दिया और गाड़ी अभी भी आने का बाद में आधा घंटा हो गया, अभी इसको आग को काबू में ले लिया। तो ये एक अकस्मात इंसिडेंट है, अब ज़्यादा गर्मी का चलते शायद कहाँ पर कुछ हुआ होगा जिसका चलते ये धुआं वहाँ से निकल रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।